मित्रों, ये एक सच्चे शिव भक्त की कहानी है, तो बिना विलंब किए मैं कहानी शुरू करता हूं। एक नगर में भगवान शिव का एक भव्य मंदिर था, जहां हर वर्ष दूर दूर से भक्त जन शिव जी के दर्शन के लिए आते थे। श्रावण का महीना था, दूर दूर से कांवड़िए कांवड़ लेकर भगवान शिव को जलाभिषेक करने आए हुए थे। मंदिर का परिसर भक्तों की भीड़ से भरा हुआ था। तभी अचानक आकाश में बिजलियां हुई और सोने का एक थाल उतरा। उसी के साथ एक भविष्यवाणी हुई कि जो भगवान शिव का सच्चा भक्त और प्रेमी होगा, उसी को ये थाल मिलेगा। मंदिर के परिसर में उपस्थित सभी लोगों ने ये भविष्यवाणी सुनी। धीरे धीरे सब इकट्ठे हो गए। जो लोग मंदिर की व्यवस्था देखते थे, उन्हें तो पूरा विश्वास था कि ये थाल हमें मिलेगा, इसलिए वे सबसे आगे जाकर खड़े हो गए। सबसे पहले एक पंडित जी आए और बोले, देखिए, मैं प्रतिदिन महादेव का अभिषेक करता हूँ, अतः मैं ही भोलेनाथ का सबसे निकटवर्ती प्रेमी और भक्त हूँ, इसलिए थाल मुझे मिलना चाहिए। इतना कहकर पंडित जी ने थाल उठाया। जैसे ही पंडित जी ने थाल उठाया, थाल पीतल का हो गया। ये देखकर पंडित जी बड़े लज्जित हुए। उन्होंने थाल यथास्थान पर रखा और वहां से निकल गए। इसी प्रकार वहां उपस्थित सभी पंडितों ने खुद को आजमाया, लेकिन शायद उनमें से कोई भी सच्चा भक्त नहीं था। उन्हें भी थाल यथास्थान पर रखकर चले जाना पड़ा। इसके बाद उस नगर के राजा का आगमन हुआ। राजा साहब आगे और बोले, मैंने महादेव के मंदिर में बड़ी दान दक्षिणा दी है, इसलिए ये थाल मुझे मिलना चाहिए। इतना कहकर राजा साहब आगे बढ़े और थाल उठाया। जैसे ही राजा ने थाल उठाया, थाल तांबे का हो गया। ये देखकर महाराज भी लज्जित हुए और थाल यथास्थान रख कर एक तरफ खड़े हो गए। इसके बाद इसी तरह से एक से बढ़कर एक दानी महात्मा और भक्त पधारे और थाल उठाया, लेकिन किसी के हाथ में कुछ और किसी के हाथ में कुछ हो गया, लेकिन सोने का नहीं रहा। तब लोगों को पता चला कि हम में से कोई भी महादेव का सच्चा भक्त नहीं है। उसी समय एक किसान का आगमन हुआ। वो बेचारा महीनों बाद आज चतुर्मास के सोमवार के शुभ अवसर पर शिव जी के दर्शन करने आया था। गरीबी और गृहस्थी के बोझ तले दबा दिन रात खेतों में मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का गुजारा करता था। अभी रास्ते में आ ही रहा था कि कोई भिखारी मिल गया और कुछ खाने को मांगने लगा। इस किसान को दया आ गई। अपने खाने के लिए जो खाना लाया था, वो इसने उस भिखारी को दे दिया। थाल के बारे में इसने भी सुना था, लेकिन इसने उस ओर कोई ध्यान ही नहीं दिया। सीधा मंदिर में गया और महादेव का पूजन करके बाहर आ गया। परिक्रमा करके जाने को हुआ, तभी पीछे से एक व्यक्ति बोला, भाई तुम भी थाल को उठाकर देख लो, हो सकता है तुम ही वो सच्चे भक्त हो जिसके लिए ये थाल आया है। किसान को लगा वो व्यक्ति उसका मजाक बना रहा है। किसान ने हंसते हुए बोला, भाई मैं तो कोई पूजा पाठ नहीं करता, महीनों में एक आध बार मंदिर आ जाता हूँ और मैं काय का सच्चा भक्त यार। वो अजनबी बोला, भाई हम तो देख चुके, हमारी भक्ति तो दो कौड़ी की भी नहीं है। अब तुम भी अपना हाथ लगाकर देख लो, सोने का थाल मिले ना मिले, किंतु पता चल जाएगा कि तुम्हारी भक्ति में कितनी सच्चाई है। लोगों के बहुत आग्रह करने पर आखिर उस भोले भाले किसान ने जाकर थाल उठा ही लिया। जैसे ही उसने थाल उठाया, लोगों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। सोने का थाल रोशनी से चमकने लगा। ये देखकर सब लोगों में खुशियों की लहर दौड़ गई। सभी लोग उसके जयकारे लगाने लगे और पूछने लगे कि भाई तुम ही सच्चे भक्त हो, अब हमें भी बता दो कि कैसी भक्ति करते हो जिससे महादेव तुमसे इतने प्रसन्न हैं। तो किसान बोला, भाई मैं कोई भक्ति नहीं करता, मैं केवल दिन भर खेतों में काम करता हूँ, मेहनत करता हूँ और थोड़ा समय निकाल कर जरूरतमंद लोगों की मदद करता हूँ, इसके अलावा मैं कोई विशेष कार्य नहीं करता। लोग पूछने लगे, तुम लोगों की मदद करते क्यों हो? हंसते हुए किसान बोला, सुकून, दूसरों के चेहरे पर मुस्कान देखकर मुझे जो आनंद और खुशी होती है, उन्हें मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता, शायद यही कारण है कि महादेव मुझसे प्रसन्न हैं। तो मित्रों, हमें कहानी से ये सीख मिलती है कि हमेशा बिना फल की इच्छा करते हुए अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें बताइए। हमें पता है कि आप महादेव भक्त की इस कथा को सुनकर भाव विभोर हो चुके हैं।
कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखकर अपने भाव बताएं। अज्ञात दुनिया को सब्सक्राइब करते हुए साथ ही हमारे नए मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल अज्ञात दुनिया मोटिवेशन को भी सब्सक्राइब कर लें। जय शंकर।